सब्सक्राइब कीजिए रोजगार समाचार इंडिया चैनल को और घंटी को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको सरकारी भर्तियों, रोजगार समाचार, न्यूज और ताजा अपडेट की जानकारी मिल सके। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक जो लेटेस्ट किसान कर्ज माफी के बारे में एक नई ब्रेकिंग न्यूज आई है। अब क्या है कि दोस्तों, आप सभी को भली भांति पता है कि लोकसभा चुनाव 2019 नजदीक है। जिस प्रकार राहुल जी ने वादा किया था कि हम किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करेंगे, तो क्या है कि पहले डिफाल्टरों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जा रहा था, तो किसानों में गुस्सा और चुनाव को देखते हुए एक दूसरी कमेटी की गठित की गई है और एक नई ब्रेकिंग न्यूज जारी की गई है, जिसमें सभी किसानों के कर्ज माफ करने पर मंथन किया जा रहा है। यानी कि किसी भी किसान ने किसी भी बैंक से लोन लिया हो, उन सभी किसानों का, चाहे ईमानदार हो या डिफाल्टर हो, जिन्होंने भी KCC जरिए लोन ले रखा है, उनका 2 लाख रुपए तक का कृषि ऋण माफ करने पर विचार किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये क्या लिखा है इस न्यूज में, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। तो हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों, ये नई न्यूज आई है। आप देख सकते हैं कि अंतर विभागीय कमेटी की दूसरी बैठक हो रही है। दूसरी बैठक में सभी किसानों का कर्ज माफ करने पर मंथन चल रहा है और बैंकों से भी आंकड़े मांगे गए हैं। इसके साथ ही हम आपको बता देते हैं कि दोस्तों, ये जो ब्रेकिंग न्यूज है 13 जनवरी की, इसमें जो लिखा है कि कर्ज माफी योजना के लिए, यहाँ जो स्पष्ट देख सकते हैं, कर्ज माफी योजना के लिए सरकार ने एक दूसरी कमेटी गठित की है और इसमें आप देखिए कि इस कमेटी में सभी किसानों का कर्ज माफ करने पर विचार कर रही है सरकार। इसके लिए सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों से भी कर्जदार किसानों की जानकारी मांगी गई है। आप देखिए इस पर लिखा है, और इसी अंतर्विभागीय कमेटी की शुक्रवार को जो दूसरी बैठक के बाद कमेटी संयोजक धारीवाल जी ने कहा कि सभी किसानों के 2 लाख रुपए तक के लोन अब माफ होने वाले हैं, क्योंकि चुनावों को नज़दीक हैं, उसको देखते हुए अब दूसरी बैठक की गई। दूसरी बैठक में सरकार के पास कर्जदार किसानों से जुड़े पूरे आंकड़े नहीं थे, लेकिन अब सरकार ने क्या किया कि जो राष्ट्रीयकृत बैंकों से जिन किसानों ने कर्ज ले रखा है, उन किसानों से भी और जो डिफाल्टर है उनके सबके जो है, देखिए, मूलधन और ब्याज के अलग अलग डाटा बैंकों से जानकारी मांगी है। और बैठक में ये भी तय हुआ कि किसानों की पात्रता जल्द ही तय कर दी जाएगी और अधिकारियों को इसके निर्देश दे दिए जाएंगे और जल्द ही किसान कर्ज माफी के बारे में एक दूसरी नई निर्णय आ सकता है। तो दोस्तों, आप देखिए, इसी में अन्य राज्यों की कर्ज माफी योजना पर भी विचार किया जा रहा है। और इसमें दूसरी न्यूज में ये भी बताया जा रहा है कि जो जिला कलेक्टर हैं, उन्होंने जिन किसानों ने आत्महत्याएं की है, किन कारणवश, आप देखिए, जिन किसानों ने आत्महत्या कर ली है, उन सभी तरह के उनके लोन माफ होने वाले हैं। और कमेटी की पहली बैठक के बाद धारीवाल ने इसकी घोषणा की और दूसरी बैठक में तय ये हुआ कि आत्महत्या करने वाले किसानों की जानकारी सभी जिला कलेक्टरों से मांगी गई है, कर्ज उन किसानों के माफ होंगे। देखिए, उपज का उचित दाम नहीं मिलने पर परेशान होकर जिन्होंने जान दे दी थी, और इसके साथ ही जिन किसानों ने भूमि विकास बैंक से लोन ले रखा है, उनके भी सभी KCC कार्ड के लोन माफ होने वाले हैं। ये दोस्तों किसानों के हित में नई खबर आने वाली है, जल्द इस पर निर्णय लिया जा रहा है। बैंकों से संपूर्ण डिटेल दोबारा से मांगी गई है, जो डिफाल्टर है उनकी सूची मांगी गई है, जो ईमानदार किसान है उनकी भी, और डिफाल्टरों का कितना कर्जा माफ है, ईमानदार जिन्होंने सही किस्तें चुकाई है, उन सभी का डाटा दोबारा से बैंकों से मांगा गया है और जल्दी इस पर फैसला आने वाला है। और इसके साथ देखिए, पहले क्या हुआ था दोस्तों कि सरकार ने कर्ज माफी की घोषणा के समय कहा था कि सहकारी बैंक के तो सभी अल्पकालीन कृषि ऋण और राष्ट्रीयकृत बैंकों के तो डिफाल्टर किसानों के 2 लाख रुपये तक के लोन माफ हो गए। बैठक में ये भी कहा गया था कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के लोन माफ होने की स्थिति में आप देखिए मूलधन से माफ़ी होगी या ब्याज से, ऐसे में बैंकों को इस योजना के जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। बैंक अक्सर डिफाल्टर किसानों के लिए वन टाइम सेटलमेंट, जो OTS योजना लाते हैं, OTS योजना आप जानते हैं, वन टाइम सेटलमेंट योजना लाते हैं, और कर्ज माफ़ी के दौरान ऐसी योजना बैंक ला सकते हैं। इसमें एक अन्य राज्य के मॉडल का हवाला दिया गया है। वह OTS योजना के तहत किसानों के लिए अंतिम भुगतान की सीमा तय की गई है, रकम से एक हिस्सा राज्य सरकार से वहन किया जाएगा, और इसी को देखते हुए अब बैठक होने से पहले बैंकों ने इस संबंध में आंकड़े जुटाने को कहा गया है। तो दोस्तों, आप इस न्यूज में इस पर देख सकते हैं कि चुनाव नज़दीक हैं, तो चुनाव देखते हुए अंतर विभागीय की दूसरी कमेटी की बैठक हुई, जिसमें यहाँ स्पष्ट अच्छे शब्दों में आप देख सकते हैं कि सभी किसानों के कर्ज माफ करने पर मंथर किया जा रहा है और बैंकों से आंकड़े मांगे जा रहे हैं।
जल्दी इस किसान कर्ज माफी के बारे में दूसरी नई खबर आने वाली है, तो जो ही उसकी खबर आएगी तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बता देंगे। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले